पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश मंत्री भवानी जोशी के खिलाफ अब एक और मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। यह आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा ने 8 मार्च को जारी किया और इस प्रकरण की सुनवाई 6 मई को की गई। इसके अलावा भवानी जोशी पर 1 दिसंबर 2009 का मामला भी लंबित चल रहा है, जिसमें शुक्रवार को पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री कोर्ट में पेश हुए। उसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद जोशी ने पत्रकारों से रूबरू होकर इस मामले के बारे में जानकारी दी। हमारे खिलाफ केस चल रहे हैं और हमेशा परिवारी एक बात ये कहता है कि मेरे परिसर में घुस के इन लोगों ने ये किया, तो हम बांसवाड़े की जनता को और बांसवाड़े की प्रेस को भी ये पूछना चाहते हैं कि कम से कम उसके परिसर के कागज तो रखे कि किसी के सामने, नहीं तो वो कागज हम रखे क्योंकि वो भूमि तो देव। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।